नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं MSS न्यूज। जनपद दौरिया के छोटा सा कस्बा पड़ता है जो मुरादगंज में आज करवा चौथ के व्रत के चक्कर व्रत के लिए आज माताएं बहनाएं जो आई हैं, आज जो खरीदारी करने आई हैं, चलते हैं उनसे मैं पूछता हूं। बहन जी, आज करवा व्रत है। हाँ, बोलो। तो आप उस पर क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? जी, देना चाहते हैं कि सब लोग करवा चौथ व्रत करके पति की उम्र बड़ी करने के लिए और उसका व्रत करने का उनको पति के बारे की होती है। अच्छा, ये दुकान आपकी है ना? तो आज के दिन आपकी ये दुकान की बिक्री कैसी हुई है? ठीक ठाक चल रही है। तो माताएं बहनाएं मतलब चूड़ियां और जो सिंगार के अन्य सामान खरीदारी कर रही हैं? हाँ, बराबर। अच्छा बहन जी, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए। आज करवा चौथ है हमारी, हम देख रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हैं। बड़ी कड़ी मेहनत से, मतलब पूरे दिन भूख प्यास से रहती हैं, उस पर आपका क्या कहना है? भूख पति की वजह से रहते हैं, मान लिया भूख व्रत है, अब रह रहे हैं पूरे दिन व्रत है, सामान खरीद रहे हैं। सामान खरीद रही हैं। तो आप जो व्रत रहती हैं वो किन के लिए रहती? पति के भी है। वो पति के लिए, मतलब पति की किस उम्र बड़ी हो पति की? अच्छा, उनकी लंबी आयु के लिए आप व्रत रहती हैं। बहन जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप इधर आ जाइए। मतलब आप व्रत जो रह रही हैं वो किसके लिए रहती? इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। अपने पति की लंबी उम्र हो और इसके लिए व्रत रहते हैं कि उसका मतलब उम्र बढ़ाए कोई। अच्छा, और का यानी आपके मतलब सिंगार जो आपका अमर रहे। हाँ। तो आप ये व्रत जो रह रही हैं वो मतलब पहला है या दूसरा तीसरा है? मेरा कितने साल से रह रही हैं? चौथा व्रत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राघवेंद्र सिंह, आप बने रहिए MSS न्यूज के साथ। धन्यवाद।